पंडित सवाई गंधर्व जी के फोटो पे हम लोगों ने माला चढ़ाया और वहां जो भी लेके गए थे तो बोला ले हमको थोड़ा सा रख लीजिए हम लोग का, थोड़ा सा उन्होंने रख लिया और फिर हम बाकी हम लोग को दे दिया। तो ऐसा था उनका, और कभी हंसाते भी थे कहीं कहीं कभी कभी किसी चीज में। तो ऐसा उनका देखने में ऐसा लगता था कि बड़े सख्त वैसे उसके हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कभी डांट फटकार भी नहीं मिलती थी। हाँ एक आध बार डांट फटकार मिली है, जैसे कहीं अगर हम कोई बात, जैसे आजकल सीखने वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि सीखने वालों को कोई बात याद नहीं रहती, गुरु ने क्या बोला है किस अंदाज में बोला है, गुरु के हर सेंटेंस को, उस हर सेंटेंस को याद रखना चाहिए। बिल्कुल, मेरे गुरुजी जब वहां हम सीखते थे तो उन्होंने बोला, जब हम गए तो उन्होंने बोला कि ये ऐसे रियाज करना है, तो वैसे ही रियाज करना है। ये थोड़ा मैं बताऊंगा आपको, पता नहीं ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, कुछ पूछेंगे आप बाद में तालीम के बारे में पूछेंगे क्या? जी जी बिल्कुल, कैसे तालीम देते? बिल्कुल बताएं, बिल्कुल हाँ बिल्कुल बताइए। वो अब जैसे आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक तानपुरे से गाते हैं या आईपॉड बहुत सारा चला है इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा, जैसे कि अपना जैसे जाड़े का दिन है तो रजाई में बैठ गए, अपना हाथ नहीं निकालना पड़ रहा है, उस बिजली से बज रहा है। तो उस समय तो वैसे था भी नहीं वो, तो गुरुजी का कहने के बाद जैसे ये तानपुरा है ना आप देख रही है, मैं तानपुरा लेके बैठा मिनिमल जी जी, ये तानपुरा लेके बैठना, और जैसे अभी तो मैं यहाँ मजबूरी है कोई इसमें रिकॉर्डिंग में आएगा कि नहीं, तो मैं इसलिए लिटा के इसको रखा हूँ, लेकिन गुरुजी की हिदायत थी तानपुरे को खड़ा करके रखना है और खड़ा करके तानपुरा रियाज करना है, और आसन जो रहेगा वो वीरासन रहेगा। वीरासन जैसे हनुमान जी का जो राम दरबार में हनुमान जी का फोटो होगा ना, हनुमान जी जैसे बैठे हैं एक पैर मोड़ के, जी जी जी, उस पैर उस तरह मोड़ के और तंबूरा ऐसे लेके रियाज करना, ये तंबूरा खड़े रहेगा और वैसे बैठ के रियाज करना है, वो वीरासन बोलते हैं उसको। गुरु जी बोलते थे कि मारुति के आसन में बैठना, हनुमान जी के आसन में बैठ के रियाज करना है। और गुरु जी ने बोला कि ये जितनी बंदिशें सीखे हो इसको अभी किनारे रख दो, साल भर तक आकार में रियाज किया, एक साल तक सुबह और राग भी ज्यादा नहीं, सुबह भैरव शाम को यमन, ये लगभग 6-7 महीने चले। उसके बाद गुरु जी से पूछे कि अब जो दोपहर में क्या गाएं, तो गुरु जी ने दोपहर में भैरव गाओ, फिर 2-4-10 दिन के बाद फिर से पूछा, फिर बोले यमन गाओ, वो यमन भैरव का फिर छोड़ते नहीं थे, वो यमन और भैरव ही गाना है। और ये नहीं था कि अब गुरु के घर में बैठे हैं तो वहां भैरव यमन गा रहे हैं, घर में जाके दरबारी कानाड़ा गा रहे हैं, ऐसा नहीं था, वहां भी ये सोचना है कि गुरु हमारे उनका आदेश है ये। तो उसको उस तरह मान के रियाज करने से फिर फायदा हुआ, काफी फायदा हुआ, आवाज का लगाव तो समझ में आए एक राग को रोजगार। फिर बाद में उन्होंने भीम पलासी गाने के लिए बोला, बाद में बहुत दिनों के बाद बोला भीम पलासी दोपहर में ले सकते हो, इससे क्या हुआ कि 12 सुर हम रोज गा रहे हैं, भैरव में ऋषभ धैवत कोमल, शाम को यमन में तीव्र मध्यम, और भीम पलासी में कोमल गंधार कोमल निषाद, 12 सुर हो गए ना, शुद्ध स्वर और 12 सुर तब मिला के, तो रोज 12 सुर का रियाज हो रहा है, हम उस पे जा रहे हैं। तो अब उसके बाद कोई जरूरत, कुछ दिन 5 साल तक लगभग यही गाए हैं ये 5, फिर बाद में बंदी से गाने लगे, तबले के साथ भी रियाज के लिए, कि राग गाने के लिए यही था कि 5 साल हम 5 साल रहे हैं पूना में, 5 साल मैंने पढ़ाई छोड़ दिया था, उसमें मैंने पढ़ाई नहीं किया, बीए करके छोड़ दिया था, बीए बैचलर डिग्री लेके छोड़ दिया, एमए तो मैं यहाँ क्या किया, तो 5 साल में केवल भैरव यमन भीमपलासी का रियाज किया। तो गुरु शिष्य परंपरा की तालीम में यही होता है। अभी तो क्या, अभी आज रोज राग चाहिए उनको, रोज बंदी से चाहिए बच्चों को। ये आपसे बात करना मतलब एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम बातचीत नहीं कर रहे हैं बल्कि कोई कहानी किस्सों की किताब पढ़ रहे हैं, और खासतौर पर जब उस कहानी किस्सों में पात्र पंडित भीमसेन जोशी जैसा हो तो वो और ज्यादा रोचक हो जाता है। खैर बातचीत तो खत्म करेंगे, और आखिर में चूंकि एक एक पर्सनल मेरी गुजारिश है, बहुत ही प्यारी चीज है, सबने गाई है और आपने भी गाई है, याद पिया की आए कि अगर कुछ लाइन आप गुनगुना दें तो वो एक एक बहुत ही लोकप्रिय भी है और आपका पसंद में भी है आपके।
हाँ वैसे तो वो पटियाला घराने की चीज है। जी 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 बड़े गुलाम अली खान से बोले कि आजकल सभी लोग बड़ा शौक से गा रहे हैं, तो बहुत गाते हैं हमको तो जब इसीलिए। फर लेकिन हमको जब फरमाइश होती है तभी हम गाते हैं। जी 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 ओके हाँ, हमको जब फरमाइश होती है तभी गाते हैं। वैसे पंजाब की बहुत सारी चीजें हैं, पंजाब अंग की हम गाते हैं, जैसे काफियां भी गाते हैं हम, भुले शाह की काफी, मुल्तानी काफी, ये सब जो है गाते हैं। तो ये फरमाइश हुई थी, ये वो बजमे खास एक चैनल है उसमें हमारे गुप्ता जी ने फरमाइश किया था, तो हम तब हमने गाया था। तो ये बहुत पहले हम गाए हैं, बनारस में जब थे तो हमें एक बार बनारस में BHU में मैंने गाया था, पहले पुरिया गाया था, उसके बाद से लाइट में ये याद किया किया गाया था। जी तो अब हम लोग जैसे तो सबका अपना अपना अंदाज थिंक क्या है कि बड़े गुलाम अली खान साहब की चीज है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की चीज है, तो उनको तो याद करना ही पड़ेगा, बिल्कुल क्योंकि जिनकी चीज है उनको तो याद करना ही होगा। फिर थोड़ी हरकतें इधर उधर होंगी, अलग होंगी, तो उसी से मिलती जुलती रहेंगी। बिल्कुल। ऊपर जो है ये बड़े गुलाम अली खान साहब की है। बड़ी उमरिया सुन दस जगिया, बड़ी उमरिया सुन दस जगिया, बड़ी उमरिया सुन दस जगिया, जो बल पीता जाए हर राम याद पिया के आए, याद पिया के याद पिया के आए, याद पिया के याद पिया की याद पिया की आए। बहुत 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 धन्यवाद पंडित जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और बहुत शानदार निश्चित बातचीत रही। और सच कह रहा हूं, दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूं, लेकिन लगा नहीं कि कोई इंटरव्यू हो रहा है, ऐसा लगा जैसे कि आप अपने बचपन की कहानियां बता रहे हैं, देवरिया गोरखपुर से लेके बनारस से लेके और वो सारा जो सफर रहा उसकी बातचीत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, आपने हमें यहाँ अवसर दिया इसके लिए, नहीं नहीं उसके हम लिए मैं आभारी हैं हार्दिक आपसे। धन्यवाद देता हूँ। हाँ जी जी नमस्कार, धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और 2014 से हम
छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।